इब्तदा रबे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों और सुनते कानों को शाहीन अकबर शानी का सलाम पहुँचे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश और खुशहाल होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ। तो दोस्तों, अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के ट्यूटरशिप का वीडियोज़ का हमारा ये सिलसिला जारी है। एजुकेशनल गाइडेंस के हवाले से बहुत सारी वीडियोज़ बना चुका हूँ और वो आपको नीचे मेरे चैनल में मिल जाएंगे। सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन है, आप सब्सक्राइब पे क्लिक करके मेरे चैनल में जाएंगे तो वहाँ पर आपको एजुकेशन गाइडेंस के हवाले से बहुत सी वीडियोस देखने को मिलेगी और बहुत ज़्यादा आपके इल्म में फैला होगा। अगर आपको एजुकेशन फील्ड में दिलचस्पी है, आपने ज्वाइन करना है या आपका कभी इरादा है कि ज्वाइन करेंगे, इसके साथ साथ स्टूडेंट्स को भी गाइड करता रहता हूँ। अगर आपका भी एजुकेशन के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए हाजिर है, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं तो इंशाल्लाह मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, ओपन यूनिवर्सिटी के ट्यूटरशिप की बात कर रहे थे, उसका पार्ट सेकंड जो आज मैं बनाने जा रहा हूँ आपकी खिदमत में, जो फर्स्ट पार्ट है वो आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा। यहाँ पर नीचे आप मेरे चैनल में जाएँ, बड़ी आसानी से आपको अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की ट्यूटरशिप का फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा। आप फर्स्ट पार्ट देखने के बाद इधर सेकंड पार्ट देखें, नहीं तो ये सेकंड पार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ नहीं आएगा। तो जी, फर्स्ट पार्ट में ये हुआ था, आपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करा लिए, आपको एक जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए होते हैं उनकी एक कापी लेके जानी पड़ती है, फाइल बना के जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने वहाँ पर अपलोड किए थे, तो जी वो कापी तो आप फाइल सबमिट करा देते हैं, आपको बाहर बिठा दिया जाता है, फिर थोड़ी देर बाद आपको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाता है। अपॉइंटमेंट लेटर जब आप ले लेते हैं तो आप घर आ जाते हैं, उसके बाद का प्रोसेस ये तो फर्स्ट पार्ट में डिस्कस हो चुका था यहाँ तक। तो अब जो सेकंड पार्ट में मैं आपको बता रहा हूँ उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है ये जी, आप वो ऑर्डर लेके आप घर आ गए, आपको कुछ दिनों के बाद एक दफ़ा फिर कॉल की जाती है कि आप कैंपस में आए और अपना एग्रीमेंट लेटर, जो फाइनल एग्रीमेंट लेटर है वो आप अपना रिसीव कर लें। तो फिर आपको एक दफ़ा जाना पड़ता है, वो लेटर आपने लेना होता है। बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि वो किसी पोस्ट कोरियर के थ्रू भी भेज देते हैं, तो बाज़ दफ़ा जो अक्सर कहते हैं कि जो है ना आपका लेटर हमारे पास पड़ा है, आप जो है ना उसको ले जाएँ। तो वो अब आपका फाइनल रिक्रूटमेंट लेटर होता है। अच्छा जी, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद का प्रोसेस ये है कि एक दफ़ा चुप हो जाती है बिल्कुल भी, और जब जो नया सेमेस्टर स्टार्ट होता है 3 महीने बाद 4 महीने बाद रिक्रूटमेंट के, तो उस टाइम आपको स्टूडेंट्स कॉल्स करना शुरू कर देते हैं, रब्ता करना शुरू कर देते हैं, आपसे कहते हैं सर जी आप मेरे ट्यूटर हैं तो आपको असाइनमेंट देनी है या जो भी वो मामला होते हैं। तो जी आप ट्यूटर सेलेक्ट हो गए और आपको असाइनमेंट्स मिलना स्टार्ट हो जाती है, और ये बड़ा ही बहुत ज़्यादा तकलीफ दे मरहला है। 50-50, 60-60, 70-70 पत्र कितने कितने स्टूडेंट्स दिए जाते हैं आपको, और रोज़ाना स्टूडेंट्स कॉल करते हैं, कोई किसी की सिफारिश करा रहा है, कोई कहता है सर मैं इधर हूँ उधर हूँ, मैं असाइनमेंट नहीं लिख सकता जी, वो सिफारिश मतलब ये कि बड़ा ही बहुत ज़्यादा रफड़ होता है, बहुत ज़्यादा। अब जो लोग हैं उनको पता होगा, आप लोग नहीं हैं तो शायद आपको पता नहीं होगा, बहुत ज़्यादा जलालत होती है। अच्छा जी, ये तो जैसे तैसे करके हो गया, आपको समझ आ गई। फिर आपने क्या करना होता है, आपको जो देखी होगी आपने, ये इधर मैं पर्स दिखा रहा हूँ गौर से देखें, ये पर्स आपके पास वो लेके आते हैं, उसमें असाइनमेंट लिखे थे, इस असाइनमेंट के साथ ये पर 3 कापियाँ इसकी होती है एक असाइनमेंट के साथ, अमूमन एक ट्यूटर को 2 असाइनमेंट्स दिए जाते हैं। ये जो पर्त है ये स्टूडेंट ने फिल करना होता है ऊपर वाला हिस्सा, और जो नीचे वाला हिस्सा आप ट्यूटर हजरात ने फिल करना होता है। तो ये फिल करके एक आप अपने पास रखते हैं, एक स्टूडेंट को देते हैं, अगर वो आपके पास बुरा रास्ता आता है तो डाक के ज़रिए तो कोई नहीं भेजता, हालांकि हिदायत चाहिए कि वो आप पोस्ट करके उसको डाक के ज़रिए भेजते हैं, उसके जो पेमेंट है वो यूनिवर्सिटी कर देगी, लेकिन ऐसा अमूमन करता कोई नहीं है, कोई ट्यूटर नहीं भेजता। अच्छा जी, ये फॉर्म जो है आपने फिल करके एक अपने पास रख, दो अपने पास रख लिया, एक स्टूडेंट को दे दिया मान लेते हैं,
तो उन दो में से जो है एक आपके रिकॉर्ड के लिए होता है, एक दोबारा यूनिवर्सिटी को रीजनल कैंपस को भेजना तब होता है जब आप रिजल्ट बनाते हैं। एक वक्त मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ये मैनुअल सिस्टम जो है बीए तक, उस तक ये तरीकाकार है, बाकी बीए से बीएड, एमएड, एमए फिर वगैरह उसे उनकी जो असाइनमेंट्स हैं वो तो ऑनलाइन हो चुकी हुई है, लेकिन ये बीए तक अभी तक जो मैनुअल तरीकाकार है जी। उसके बाद जब लास्ट डेट आती है आप असाइनमेंट्स भी ले लेते हैं जी, सारा आपने अजाब भुगत लिया। जब आपने रिजल्ट जमा कराना होता है तो आप जमा कराते हैं, सबसे पहले आपको एक लिंक दिया जाता है जब अलामा इकबाल यूनिवर्सिटी का आगाही पोर्टल पर आपने जाना होता है, आप अपना CNIC नंबर देते हैं और अगर पासवर्ड आपको दिया जाता है वो पासवर्ड आप अपना रख लेते हैं, तो वो पासवर्ड दे दीजिए, आप उसमें ओपन करके आपको एंटर करने होते हैं, एक कॉलम बनना होता है, नाम टेबल बनी होती है सॉरी, उसमें नाम स्टूडेंट का उसकी गलती है तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, आगे उसकी फर्स्ट असाइनमेंट के नंबर, सेकंड, थर्ड, इस तरह वो आपने फिल करना होता है। जब वो आप फिल कर लेते हैं तो उसमें एहतियात से करनी पड़ती है, एक एक स्टूडेंट की जब आप फिल करते हैं उसको साथ साथ सेव करते जाना है। उसका तरीका का जो आपके पास नेट की स्पीड अच्छी होनी चाहिए, और अक्सर ये सिस्टम बैठ भी जाता है, मैं तो बहुत ज़्यादा इससे जलील हुआ, सिस्टम बैठ जाने की वजह से सही ओपन नहीं होती, वो सेव हम लोग नहीं कर पाते, जब सेव हो जाते हैं तो फिर वो खुद ब खुद भी गायब हो जाते हैं कभी कभी, तो इस तरह का चक्कर हमेशा रहता है अपन के इसमें। अभी तक इनका जो सिस्टम है ना वो ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं है। चलिए जी ठीक है जी, आपने आनंद कर लिया। उसके बाद आपको वार्ड लिस्ट वहाँ पर होती है मौजूद होती है, वार्ड लिस्ट का बॉक्स, वार्ड लिस्ट पर आप जाके स्टूडेंट्स का प्रिंट आउट लेते हैं मार्क्स फिल करने के बाद, वो वार्ड लिस्ट और जो आपके पास पर्त है हर स्टूडेंट का, एक अगर मतलब कि आपके पास फर्स्ट और सेकंड असाइनमेंट है तो हर स्टूडेंट का एक फर्स्ट का पर्त, फर्स्ट असाइनमेंट का पर्त, एक सेकंड का, इस तरह अगर आपके पास 50 स्टूडेंट्स है तो वो 100 पर्त आपके पास हो गए, तो उनको तरतीब दे के उनको खाके लिफाफे में पैक करके आपने रीजनल कैंपस कोरियर करना होता है। रीजनल ऑफिस आप जब कोरियर करते हैं बाज़ दफ़ा आपके शहर में ही कोई रीजनल ऑफिस डिक्लेयर कर दिया जाता है कि जी फला बंदे को या फला शॉप पर या फला एड्रेस पर देंगे, तो आपने वहाँ देनी होती है। अगर आपको कोई इस तरह की गाइडेंस हिदायत नहीं मिलती तो आपने लामाला रीजनल कैंपस में जमा करानी होती है, तो रीजनल कैंपस में जब आप जमा कराते हैं तो उसके बाद अगर तो वो सही है तो आपकी जान छुपी, अगर उसमें कुछ गड़बड़ है तो वो आपको मजीद काले आके रहते हैं कि जो है वो है। अब उसके बाद जी है आपने रिजल्ट जमा करा दिया, सारा कुछ हो गया, उसके 3-4-5 महीने तक बिल्कुल सुकून रहता है। उसके बाद 3-4-5 महीने के बाद आपका बिल क्लेम करना होता है यूनिवर्सिटी को, जो बिल आप क्लेम करते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा रफड़ होता है। एक तो आपने बैंक अकाउंट की डिटेल देनी है, अपना नाम, वल्दियत, शनाख्ती कार्ड नंबर फिल करना होता है, बैंक ब्रांच, बैंक का कोड, मतलब उसका जिस सिटी में है वो आप सारा ये आ जाता है, आपके जो लिंक आपको दिया गया होता है या गाइड पोर्टल पर फिलहाल तो चल रहे हैं लेकिन कह रहे हैं कि आपको लिंक दे देंगे अभी तक मिला नहीं है, तो उसमें जाके आपको बैंक की डिटेल्स फिल करनी होती है। बैंक की डिटेल्स जब आप फिल कर लेते हैं तो उसके बाद ये बिल रिनोमेशन बिल जो होता है वो आपको भेज दिया जाता है, वो आपको फिल करना होता है। बिल किस तरह फिल करना है अगर आपको मतलब के स्टूडियो की ज़रूरत हो तो नीचे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको वो प्रैक्टिकली जिस तरह फिल करना है उसकी एक चीज़ मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह, आपको फुल वे करूँगा, तब जाके कहीं आपको पेमेंट मिलती है। मेरे भाई पेमेंट कितनी मिलती है वो भी अगर आपके पास BA है तो वो भी आपकी बनती है 6-7 हज़ार रुपये, अगर आपके मैट्रिक या FA है तो आपकी 4,000-4,500, ज़्यादा लगा ले तो 5,000 भी नहीं बनती। तो मेरे भाई इसमें बहुत ही मुश्किल होती है, बड़ा टफ से काम होता है, मैं तो हैरान होता हूँ क्यों पता नहीं लोग ओपन यूनिवर्सिटी की ट्यूटरशिप के लिए भागे भागे करते हैं। हाँ अगर आप बेरोज़गार हैं, आपके पास और कोई काम नहीं है, आप फ्री भी है, ये सर दर्द आप ले सकते हैं तो ही आप अप्लाई करें, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट टीचर हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं या प्राइवेट कोई अच्छी सी जॉब करते हैं
अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये चाप आप कभी भी ना करें, क्योंकि मैं ये गलती कर चुका हूँ। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मैंने ये गलती क्यों की, हालांकि मेरी अलहमदिल्ला कम उड़ जाती है, मुझे इस तरह कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हर कोई ट्विटर ट्विटर ट्विटर, मैं पता नहीं हैरान हुआ ये चीज़ क्या है। अब मुझे पता चला है इसमें कोई शय नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, कि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपको ज़रूरत नहीं है इसकी तो कभी भी छः सर दर्द ना लें। तो उम्मीद करता हूँ जी आपको अपनी यूनिवर्सिटी का जो सेकंड पार्ट जो इन्फॉर्मेशन जनरेटरशिप के लिए पसंद आई हुई। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई कर दूंगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज़ 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 मैं आपसे रिक्वेस्ट करके देता कि यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, इसमें आपका ही फ़ायदा है, आपको नॉलेजेबल वीडियोज़ मिलती रहेगी। वैसे तो यूट्यूब पर देखने को बहुत कुछ होता है, आप टाइम वेस्ट करते रहते हैं, उसका क्या फ़ायदा। अगर थोड़ा सा आपको नॉलेज मिल जाता है तो वो आपका टाइम मेरे भाई यूटिलाइज हो जाएगा। ये चीज़ें अगर अभी आपके काम नहीं है तो कभी ना कभी तो ज़रूर काम आएंगी। जब आप इस मरले से गुजरेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये मेरी बातें याद आएगी, आपके माइंड में थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि क्या चीज़ किस तरह से एजुकेशन फील्ड के अंदर। ये सारी डिटेल्स वीडियो मैंने बना रखी है और मज़ीद भी अभी वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ, उन पर काम कर रहा हूँ, इंशाल्लाह बहुत जल्द बहुत ज़बरदस्त किस्म की वीडियोज़ आगे आपको मिलने वाली है। तो प्लीज़ मेरे भाई ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपना टाइम ज़ाय न करें, कुछ नॉलेज हासिल कर लें। तो इन दोनों के साथ अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, हंसते मुस्कुराते रहें। शाहिनक परेशानी को इस वीडियो से दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे, वादा करता हूँ अगर जिंदगी रही तो एक नेक्स्ट ज़बरदस्त वीडियो के साथ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है।